नमस्कार दोस्तों, समुद्र मंथन से अमृत प्राप्ति के बाद वर्षों तक देवताओं का पलड़ा भारी रहा और वो दानवों पर भारी पड़ते रहे। इस बीच देवताओं ने पुनः तपबल से शक्ति अर्जित की। तब दानव परेशान हो गए और उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुवर, हम कैसे देवताओं को हरा सकते हैं। दानवों के गुरु ने कहा, देवता अमृत पान कर चुके हैं और उन्हें हराना बहुत कठिन है, और एक ही उपाय है। अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण का तेजस्वी पुत्र आपकी सहायता करे तो देवताओं को हराया जा सकता है। मगर यह उपाय जानकर दानवों ने सोचा, ब्राह्मण पुत्र भला हमारी मदद क्यों करेगा, उसके लिए हमारा साथ देना उसका अधर्म होगा, और इस कार्य के लिए कोई भी तेजस्वी तो क्या, पृथ्वी लोक का साधारण ब्राह्मण भी तैयार नहीं होगा, और अगर हम बलपूर्वक कुछ करेंगे तो श्रेष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण हमारा ही विनाश कर डालेगा, और यदि कमजोर ब्राह्मण के पास हम गए तो देवता भी हंसी करेंगे और हमारी कीर्ति को भी धब्बा लगेगा। इस प्रकार दानवों के मंथन और चिंतन के दौर शुरू हुए और वे सब एक निर्णय पर पहुंचे कि अगर दानव अपनी कन्या का दान किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे तो ब्राह्मण को अवश्य स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ मर्यादा का पालन करने को बाध्य है, और जब उसको पुत्र होगा तो असुर उसे पालेंगे एवं शिक्षा दीक्षा देंगे और समय आने पर उसी से देवताओं पर आक्रमण करवा देंगे। देवों से परेशान सुमाली नामक दानव ने अपनी पुत्री कैक्सी से कहा कि हे पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूं कि तुम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो, वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। दोस्तों, पिता की आज्ञा पाकर कैक्सी ऋषि विश्रवा के पास गई, परंतु उस समय भयंकर आंधी चल रही थी एवं आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैक्सी का अभिप्राय जानकर ऋषि विश्रवा ने कहा कि हे भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूर कर्मा होगी। मुनि की यह बात सुनकर कैक्सी उनके चरणों में पड़ गई और बोली कि हे भगवान, आप ब्रह्मावादी महात्मा हैं, आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान प्राप्त करने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। कैक्सी के वचन सुनकर मुनि विश्रवा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। और दोस्तों, इस प्रकार कैक्सी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशानन रावण रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पनखा और विभीषण के जन्म हुए। रावण और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति के थे। धन्यवाद।